तो यार कैसे हो। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक गन के बारे में जिसका नाम है M4LMG ब्लैक गोल्ड। जब बीटा लॉन्च हुआ था गाइस, ये मेरी सबसे फेवरेट गन थी। हालांकि मेरे पास ये स्किन उस टाइम पे नहीं थी, बट देन मुझे लेने का काफ़ी मन कर रहा था। तो आज मैं आपको ये स्किन बाय करके बताऊंगा कि क्या ये वर्थ इट है 20,000 कॉर्ड पॉइंट्स के, क्योंकि 20,000 बहुत होते हैं गाइस। एंड क्या आपको इसके लिए जमा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो पहले तो देखो गाइस कितनी ऑसम लग रही है ये स्किन, एंड लेजेंडरी स्किन है और M2 EBR की भी है, बट देन मैं नहीं चला था क्योंकि DLQ33 और Arctic 50 मेरे लिए सबसे बेस्ट है और रहेगी। और अब इक्विप कर लेते हैं हमारी M4LMG ब्लैक गोल्ड को। पहले तो मैक्स आउट कर देते इसे, और ये 11th और 12th लेवल पे इसके जो स्पेशल स्किल्स थे वो भी अनलॉक हो गए। 10% प्लेयर XP इंक्रीज, काफ़ी अच्छा है ये पर्क। तो चलो इक्विप कर लेते हैं इसे अपने जो भी मेरे को अच्छे लगते हैं उनके साथ, इक्विपमेंट्स के साथ। तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक अच्छा रहेगा क्योंकि हैवी रहती है, फुल ग्रिप लगाना ज़रूरी, और एक फास्ट मैग एंड रेड डॉट निकाल देता हूँ। और आओ यार फिर बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ एंड खेल के देखते हैं कैसा लगता है ये इसके साथ। तो आओ यार सब्सक्राइब बटन के ऊपर नारियल फोड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये हमारा गेम चालू हो गया है एंड देखते हैं, पहले तो इसका आयन साइट देख लेते हैं। आयन साइट है गाइस, ये आयन साइट मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, आपको इजीली मारना है किसी बंदों का, आप मार सकते हैं इस आयन साइट की मदद से। तो हम लोग खेल रहे डोमिनेशन, तो आओ पहले देखते हैं बी की तरफ कैसे मारती है ये। चल तो अब तक अच्छा चल गया, ओके चलने में बिल्कुल M4LMG जैसी है, पर देन इसका जो आयन साइट है वो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्यूरेसी बढ़ जाती है इससे काफ़ी हद तक। और गाइस इस पर फोर ग्रिप लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो रिकॉइल इसका है काफ़ी अच्छा खासा। बट देन एक फास्ट मैग होना भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से क्योंकि इसको रिलोडिंग का बहुत टाइम लगता है, प्लस एक स्टॉक होना भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी हैवी है। तो LMG इस पर मैं यूजुअली स्टॉक भी लगा ही देता हूँ, और यहाँ पर से इजीली मार देते हैं। और ये सेंट्री गन भी आ गई है ऑलरेडी, तो काफ़ी प्यारी गन है गाइस मेरे हिसाब से तो ये, एंड इसकी जो स्किन है कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा XP प्लेयर XP वगैरह चाहिए तो ठीक है गाइस, नहीं तो इस पर अपना जो 20,000 क्रेडिट्स है वो वेस्ट मत कीजिए, उसे संभाल के रखिए और आप यूज़ कीजिए उसे दूसरी चीज़ों पे जो आने वाली है अभी क्रेडिट स्टोर में। क्रेडिट स्टोर जैसे ही अपडेट होगा मुझे पता है कि काफ़ी औसम औसम चीज़ लाने वाले हैं ये लोग। बट देन अगर आपको लेजेंडरी स्किन भी चाहिए और M4LMG आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट गन हो सकती है, वरना मैं मुझे तो ये नॉर्मल LMG जैसी ही लगी क्योंकि नॉर्मल जो हमारी M4LMG रहती है वो भी कुछ इस तरह से ही चलती है। बस इसका फ़ायदा ये है कि आपका प्लेयर XP ज़्यादा बढ़ेगा इससे, तो अगर आप लेवल पुश कर रहे हैं तो ये गन आप यूज़ कर सकते हैं ज़रूर से। गन तो काफ़ी अच्छी है, बट देन फिर वही बात है कि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंड जो इसकी स्किन है वो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा लुक्स में काफ़ी बढ़िया है, पर 20,000 क्रेडिट्स इस गन के लिए देना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। बट देन M2 EBR भी मुझे कुछ खास नहीं लगी इतनी, तो M2 EBR लेने से अच्छा आप ये ले लीजिए, वरना आप देख सकते हैं दोनों में से आपको जो ट्राई करनी है आप कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी मैं ये जब गेम प्ले के दौरान यूज़ कर रहा था मुझे काफ़ी स्मूथ लगी, काफ़ी अच्छी थी जैसे नॉर्मल M4LMG रहती है। और आपको पता है M4LMG का एक ही नारा है, आसपास ताड़ो और सबकी फाड़ो। LMGs को यूजुअली बड़े मैप में चलाने में दिक्कत तो आती है, तो अगर आप कोई भी क्लोज रेंज मैप खेल रहे हैं तो LMGs आर वन ऑफ दी बेस्ट। एंड क्योंकि बेस्ट नहीं बोला क्योंकि मुझे अपने हिसाब से MSMC क्लोज रेंज में सबसे बेस्ट लगती है, बट देन M4LMG अपनी जगह पर है, MSMC अपनी जगह पर है। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया मैंने M4LMG का, एंड M4LMG ने फिर से जान बचा ली मेरी। यहाँ पर इसका आयन साइट गाइस कुछ भी बोलो बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट देन इसका आयन साइट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो एक इसके आयन साइट के लिए लाइक तो बनता है गाइस, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाके कर दो गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं आप देख सकते हैं उन्हें।
और यहाँ पर हम लोग वन साइडेडली जीतने वाले हैं ये मैच, ये तो श्योर हो गया है। बाकी गाइस आप बताओ मुझे कि आपने क्या ये गन परचेज की है, अगर की है तो कैसी लगी आपको, और अगर नहीं की है तो क्या आप करने वाले हो अभी ये वीडियो देखने के बाद परचेज, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ गाइस, जो लोग भी बोल रहे थे कि हमें आपके साथ खेलना है, तो मेरा जो आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाकर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए एंड मैं रिक्वेस्ट ज़रूर से एक्सेप्ट कर लूँगा। क्लोज रेंज में LMGs आर बेस्ट, लाइक MSMC है बहुत अच्छी है, बट देन M4 LMG का भी डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो बाकी सब LMGs के मुकाबले तो मुझे M4 LMG ही अच्छी लगती है LMGs में। और ये यहाँ पर इजी विक्ट्री। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक किया क्या? पर गाइस इसकी तरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा तो क्या पता आपको हमारे दूसरे वीडियो भी अच्छे लग जाए, क्लिक कीजिए यहाँ पर।